बस गाइस, आज ये लास्ट है वर्मसिली, क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार खा रही हूँ, तो कल कुछ और खाऊंगी। और आज भी साहिल ने मुझे ये लिख कर दिया है। पहले तो मुझे लगा था कुछ आई लव यू लिखा है, लेकिन फिर इन्होंने लिखा है 1 मिलियन यूट्यूब सून। थैंक यू वेरी मच। हेलो माई बेबी गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। ना, मुझे गाइज बहुत ज़्यादा नींद आ गई है, मतलब आ रही है। और मेरा जो कि आपने कल देखा अमेजोन लाइव सेशन, वो मैंने आज ऐसे रिकॉर्ड किया है मैं, क्योंकि आपने तो देख लिया है ना ये, तो ऐसे मैंने ये पूरी प्रिपरेशन की है। मैं अमेजोन पर लाइव जाने वाली हूँ, जिसमें मैं जो मैंने ये आउटफिट्स ऑर्डर किए इनको पहन पहन कर दिखाऊंगी, स्टाइल करके दिखाऊंगी, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और आप तो ये देख चुके होंगे, तो आप बताना कितने लोगों ने मेरे ब्लॉग से उस लाइव को ज्वाइन किया था, वो ज़रूर कमेंट करना। मैं उनका नेम ज़रूर लूँगी कि उन्होंने मेरी बात मानी और अपनी शिल्पा दी की रिस्पेक्ट रखी, उसके कहते उसकी लाइव को ज्वाइन किया। थक गई हूँ, प्रैक्टिस कर लेती हूँ आपके सामने। हेलो गाइज, वेलकम टू माई अमेजोन लाइव सेशन। गाइज नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ, अभी हाफ एन आवर है गाइज, 2 बजे लाइव है ना, अभी 1:30 हुआ है, खाना भी खा लिया है, सब कुछ कर लिया है, थोड़ा देर फोन यूज़ कर लिया। ये था कि 2 बजे, मतलब 2 बजे, 2:05 भी नहीं होना चाहिए, तो साहिल ने बिल्कुल मुझे ऐसे किया हुआ है, बेबी 2 बजे लाइव है, बेबी 2 बजे लाइव। बेबी को तो पता है 2 बजे लाइव है, लेकिन बेबी को नींद नहीं आ रही है। बेबी क्या करे, सही हुआ आपके साथ, ऐसा ही होना चाहिए आपके साथ। दोबारा करके दिखाती हूँ, मैं कह रहा हूँ जितना भी काम मिले ना आपको, तो वो बोले बिल्कुल दिन में ही बता मैडम जी, दिन में दो। हेलो गाइज, वेलकम टू माई अमेजोन सेशन। गाइज मैं 2 बजे लाइव जाऊंगी, उसके बाद 3 बजे आप लोगों से मिलूंगी, 1 घंटे का लाइव है पूरा। Bye. जरूर देखो यार, जरूर देखो, मैं बहुत परेशान हूँ गाइज, आप जरूर देखना। मैं 18 को फिर से आऊंगी ना साहिल लाइव, मैं 18 को फिर से आऊंगी ना। हाँ, फिर से आऊंगी 18 को, लेकिन जो मेरा लाइव होगा ना गाइस, वो होगा मेरा क्रिसमस रिलेटेड, कुछ व्हाइट और कुछ रेड ड्रेसेस, मैं बनूंगी सेंटा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं जा रही हूँ वहाँ पे ना, सॉरी गाइस चक्कर आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ वहाँ पे ना सोने के लिए, ताकि मैं अपनी लाइफ पे बिल्कुल एनर्जेटिक रहूँ, कैपेबल रहूँ, एनवायरमेंट को अच्छा रखूँ, एटमोसफेयर को अच्छा बनाऊँ। ठीक है, इतना कुछ बोल दिया, बाय। नाइट सूट आए हैं, नाइट सूट आए हैं। नाइस, बहुत सारे नाइट सूट आए हैं, बहुत सारे, बाद में दिखाऊंगी, अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ। अभी 2 बजे में टाइम है, पार्सल्स आ गए थे गाइस, तो मुझे उठना पड़ा, आती हूँ 3 बजे, आप लोगों के बिना मैं रह नहीं सकती गाइस। गाइज मेरा अमेजोन का जो सेशन था बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया। और रितिका, अगर आप यहाँ से गए थे तो थैंक यू सो मच, आपने वहाँ मुझे बहुत मोटिवेट किया। और अभी गाइज अमेजोन का सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए हैं, और हम H&M से ना साहिल के कुछ नाइट सूट लाए थे जो उनको साइज़ में थोड़े छोटे आए हैं, तो उसको हम चेंज कराने जा रहे हैं, और अभी काजल को पिक करेंगे। कहाँ भाग रहे थे बेटा, मुझसे बच के तो कहीं नहीं जा सकती मेरी बसंती, चलो चलो चलो। सो गाइज हम कहीं भी जाए पर वूफी हमारे साथ ही जाता है, क्या ही कर सकते हैं इसका, इसको पता है कि मेरे को गाड़ी में रहना है या मम्मा हाउस रहना है। वैसे मम्मा हाउस ही आज नहीं रहेगा, हमारे साथ ही जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर का काम है। सुबह में कितने बजे उठी थी, कितने टाइम से उठ गई थी ना, पहली बार थोड़ा लेट हो गई, मतलब दोबारा सो गई थी 4 बजे उठने के बाद, फिर सो गई, फिर 9 बजे उठी, और अभी बस साहिल के जो नाइट सूट है इनको बड़ी जिद थी कि मेरे जैसे नाइट सूट लेने हैं, इनको एक भी फिट नहीं आया, आया एक सिंगल फिट नहीं आया इनको, आप देख लेते ना आप हंस पड़ते कि भैया किसके साइज के लेकर आए हो, मतलब पजामे तो सही थे पर ऊपर वाली जो शर्ट थी बहुत थी छोटी थी, क्या बहुत छोटी थी। अच्छा मिल जाए, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो और अच्छी बात है, मिल जाएगा, वैसे नहीं भी मिलेगा मैं दिलाऊंगी अपनी बेबी को, अपनी बसंती को, अपनी लाडो को, अपनी गुलाबों को मैं दिलवाऊंगी। और इस बसंती का क्या करें, पूरी कार हर तीसरे दिन वॉश करानी पड़ती है तब जाकर ये क्लीन रहती है, अदरवाइज वूफी सिंह इतना गंदा कर देता है इसको, इतना गंदा कर देता है मैं आपको बता नहीं सकती। अब काजल रानी को कॉल करूंगी कि फटाफट नीचे आ, क्योंकि हम पहुंच गए हैं।
सो गाइस काजल आ गई है हमारे साथ और आती बोल रही है पता नहीं क्या पहन कर आई हूँ, तो आप क्या पहन कर आए हो हमें देखना है। फाइटिंग चल रही है इधर, पहले रुको। मैं पता नहीं मिक्स मैच कर लिया सब कुछ, ऊट पटांग, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, फेडेड। कोई बात नहीं गाइस, हम कोई इतनी बड़ी जगह नहीं जा रहे, हम तो दो तीन, मैं ज़ारा जाऊंगी और ये H&M जाएंगे बस, और कहाँ जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, बदतमीजी शुरू हो गई है। मूवी की काट मत, मूवी ऐसे मत कर, हट डॉगी। ये अच्छा था, अब एक बार देख ले क्या कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, उसकी गोदी में बैठ गया मूफा, बस मिल गया प्यार। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, आगे आगे नहीं पता, नारायण मिल जाएंगे, नारायण मिल जाएंगे, दर्पण में सब राम के गीत ही गाएंगे, राम के दर्शन पाएंगे। मैंने गलत गा दिया गाइस, मिल जाएगा। एक खतरनाक जीव से मिलवाती हूँ, देखो पूरा गया है चल के यहाँ से लेके वहां तक। ओ मैम, साहिल हम तो एक्सचेंज करने आए थे ना, परचेज थोड़ी करने आए थे, फिर परचेज क्यों किया आपने? किया बेटे, इतनी पिटाई होगी ना, इतनी पिटाई। आप मेरी जगह नहीं बैठ सकते मैम, तू हमेशा ऐसे क्यों करती है खाजा, तू हमेशा ऐसे क्यों करती है? मेरी लाडो बसंती, थैंक यू। सही है ना, अच्छा लग रहा है। हील्स कितनी ज्यादा है, पैर दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। साइज ये और देख लो, सब कुछ निपट गया है। ओए मम्मी, नाक मारी इतनी जोर से, ठंडी ठंडी लगी है और मेरे काम पे बहुत तेज लगी है। जारा का भी काम निपट गया है गाइस, H&M का भी काम निपट गया है, कॉस्मेटिक्स भी सबने ले लिया है, मतलब लिपस्टिक वगैरह जो मेरे को अच्छी लगी वो मैंने ली है। बाकी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि साहिल ने किस नाम की शॉपिंग की है, सोलो ट्रिप तो मेरी है, धीरे धीरे तो मैं शॉपिंग कर रही हूँ, इनकी किस नाम की शॉपिंग है? आपने वो वाली न्यूज सुनी थी सर, जिसमें कोरियन यूट्यूबर के साथ बदतमीजी हुई है मुंबई में, वो हरेसमेंट वाली, मैंने तो अब देखी वो वीडियो, कल मेरे को पता नहीं किसी ने शेयर करी और मैं पूरी वीडियो देखने के बाद मेरे को समझ में आया कि उस कोरियन यूट्यूबर के साथ क्या हुआ था। मेरे को उस वीडियो को देख के ऐसे हो गया कि मेरे को सोलो ट्रिप पे नहीं जाना है, पर अब मेरा वीजा आ चुका है, पैसे तो हमारे देखो लग गए हैं, वो कैंसिल नहीं हो सकता है, मन मेरा पक्का बन चुका है, पर मुझे बहुत बुरा लगा यार। वैसे आपने देखी है वो वाली वीडियो? वो बॉयज को बिल्कुल शर्म नहीं थी, वो वीडियो बना रही है फिर भी उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे को बहुत ऐसे गंदा लगा यार। क्योंकि आप खुद सोचो कि वो तो चलो कोरिया से इंडिया आई थी और उसको क्या इंडिया वालों ने रिप्रेजेंट करा अपने आप को कि हम कैसे हैं, मुझे बड़ा गंदा लगा। अब सोचो हम किसी अदर कंट्री में ऐसे सोलो जाएं और फिर वहां पे ऐसा कुछ हो जाए तो सोच के भी डर लगता है ना, पर गलत हुआ गाइस, जो भी हुआ गलत हुआ। सो गाइस मुझे और काजल को ना ये पिंक वाला रसगुल्ला बहुत टेस्टी लगता है, तो एक मैं अपने लिए लाई हूँ, एक उसके लिए, और साहिल ने कुछ अपने लिए यहाँ पैक कराया है, वो घर जाकर दिखाऊंगी किसके लिए। ये आपके लिए ही है, आप ही के लिए है। नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं भाई, टेस्टी बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने जो आपको रबड़ी बनाकर खिलाई थी वो कैसी थी? वो ज्यादा टेस्टी थी, वो खाऊंगा आज, मैं बना दूंगी आज। हम दोनों भाई बेचारे कुछ है ही नहीं, सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी गाइस, मुझको वेट करो इतना, आप इसको देखो और बताओ आपको भी कैसा लगता है। ये चंटो रानी कहो तो अभी इयररिंग्स दे, यहाँ मत कर जल्दी दे, अरे काजल प्लीज दे दे यार, तू भूल जाएगी यार।
वो नहीं देगी, पता है वो भूल जाएगी मैं और मैं नहीं उसके, मैं क्या ही बोलूँ अब आपको मैं भूल गई बेबी जी दे तो देगी, वो देने को उसको खुद भी नहीं पहनेगी, वो भूल जाएगी कहाँ रखेगी वो। यार मैंने जल्दी जल्दी अपनी लिपस्टिक तो निकाल ली, उसको पता भी नहीं लगा यही बोलना कि मेरी लिपस्टिक भी दे और मेरी वो भी दे, इयररिंग्स भी दे व्लॉग तो देख ही लेगी कल वो मेरा, पर मेरी इयररिंग्स बहुत सुंदर थी यार, मुझे था मुझे एक वीडियो बनानी है उसमें मैं पहनूं। चलो गाइस कोई बात नहीं, अब घर जाकर मिलती हूँ आप लोगों को, बहुत देर हो गई है जाके आप फटाफट, आज इनको हमने हलवाई हायर किया हुआ है पूरा बढ़िया वाला प्रोफेशनल, शिल्पा हलवाई, शिल्पा हलवाई। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे मकाने ये वाले, मेरे को भी 2 किलो दूध डाला ठीक है। साहिल को बड़ा ये था कि मैंने क्या बनाया कैसे बनाया, तो अभी उनके सामने बना के दिखा रही हूँ। इसमें 2 से 3 घंटे लगेंगे, शोल्डर में भी काफी दर्द होगा लेकिन ये बनाने पड़ते हैं। वाव व्हाट टेस्ट, उस दिन पता लगा था इतने मखाने थे, जबरदस्त थे। और ये इसमें क्रैनबेरी डली हुई थी उस दिन इतने, क्या बात है शना। और ये आपका बहुत अच्छा केसर दिया उन्होंने अंकल ने ना, बहुत अच्छा इतना सा डाला था, ये देखो बस इससे ही खुशबू आ गई थी। उसके बाद ये थोड़े से बादाम, वैसे मैंने बड़े वाले बादाम डाले थे, आप बोलो तो कोई डाल दो, नहीं ये भी डाल दो। एक केसर यहाँ गिर गया, एक केसर की कीमत तुम क्या जानो, सब जानते हैं केसर बहुत महंगा होता है, हद से ज्यादा महंगा होता है केसर। सबसे पहले एक बार पापा केसर लाए थे और इतनी सी डिब्बी थी और 1000 रुपीज की थी, तो उसको मम्मी ने इतना संभाल के रखा था, 2-2 दाने डाल के दूध में देती थी कि इससे तुम लोगों की ना हेल्थ बनेगी, याद आ गया मुझे। बताओ इसमें ये हमने डाल दिए बादाम, ठीक है ठीक है। अब बस जैसे ही ये बॉयल होगा फिर इसको चलाने का काम मेरा शुरू हो जाएगा। तो ये निकलेगा, इसकी चीनी डालोगे इसमें, वो शक्कर डालोगे जो आप बोलोगे, वो मैं तो शुगर फ्री डाली थी आपकी, शुगर फ्री डाल देना फिर। चलो आती हूँ फिर मैं। सो गाइस जो मैंने ये हीटलेस कर्ल्स मंगाए थे ना, आज मैं उनको यूज करने वाली हूँ हेयर रोलर्स। तो पहले मैंने इसके अंदर ना पानी भर लिया है ताकि थोड़ा सा ऐसे स्प्रे करूँ और फिर इसके ऊपर अपने बालों को ऐसे लपेट लूँ और पूरी रात इसको रखूँगी, फिर देखते हैं सुबह क्या रिजल्ट आता है। अभी साहिल सो गए हैं, सोए नहीं है मतलब लेट गए हैं, बस वो फी है मेरा जो मुझे देख रहा है, तो मैं बस इसको करती हूँ और फिर देखती हूँ कि मुझसे हो पाता है या नहीं। सो गाइज मुझे उम्मीद तो नहीं है क्योंकि अभी मैंने एक ना ऐसे गोल गोल किया और ये ऐसे फोरहेड पे लटक गया था, तो मैंने ओपन कर दिया। अभी मैं यहाँ बैठ के आराम से करूँगी और अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वैसे मुझे लगता नहीं है इतने छोटे छोटों में ना मेरे हेयर कर्ल हो नहीं पा रहे हैं, मैं कम कम बाल लेकर करूँगी तो एक कम रह जाएंगे। एक पैकेट और है वैसे, बट फिर से एक बार और ट्राई करती हूँ। गाइज बहुत ही लोकल हैं ये जो मैंने मंगाए हैं, 2 बार टूट गया है ये, यहाँ से भी निकल गया था यहाँ से भी निकल गया था, बट एक तो चलो जैसे तैसे मैंने कर लिया है। सो गाइज मेरे बालों का बहुत बुरा हाल हो गया है और ये कर्ल्स मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक 4 लगे हैं और मुझे 1/2 आवर हो गया है और ये तो इसमें उलझ ही गया है बहुत बुरी तरीके से, और मुझे बहुत पेन भी हो रहा है, क्या ही कर लिया है मैंने अपने बालों का। साहिल सो गए हैं और अब मेरे को समझ ये नहीं आ रहा है कि कल ही स्पा लेके आई थी, पता नहीं क्या मुझे सूझी कि तू ये कर्ल्स करके देख और ये देखो क्या हो गया है। यार मुझे लग रहा है साहिल को उठाना ही पड़ेगा, ये खुल ही नहीं रहा है यहाँ से और अब रोने जैसा मन हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने क्या ये आधी रात को मुझे क्या सूझा कि मैं ये करने बैठी, कोई भी ऑर्डर मत करना गाइस, इनको ये बकवास है एकदम। ये बाल मेरे टूटे हैं और ये देख लो क्या हाल हो गया है, ये दिख रहा है, मैं ये भी खोलने वाली हूँ अब, मेरे को नहीं करना अब कुछ भी, ये कर्ल्स वर्ल्स तो बिल्कुल नहीं करूँगी, ये देखना यार बकवास बिल्कुल ज़ीरो, ये कोई ऑर्डर मत करना, कोई भी ऑर्डर मत करना, ये मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं इसमें। और मैं आपको मैंने अच्छा है ना पहले भी आपको बोला था कि पहले मैं यूज़ करके देखूँगी उसके बाद आपको बताऊँगी, तो कोई ऑर्डर मत करना। मैं ये खोल रही थी एक एक करके तो कर्ल्स तो इतनी देर में ही हो गए हैं, ये अगर आपको दिख रहे होंगे तो यार
कर्ल्स तो हो रहे हैं गाइस, लेकिन वही है कि मेरे लॉन्ग हेयर के लिए नहीं बनाई है, किसी के छोटे बाल हैं तो वो मंगा सकता है। मैं ये भी ओपन करके दिखाती हूँ आपको। सो गाइस ये हाल हुआ है ये कर्ल्स निकालने के बाद, और अभी तो जस्ट करते करते ही कर्ली हो गए हैं, मतलब कर्ल्स तो हो गए हैं। जिसको भी पसंद हो वो करे ऑर्डर, जिसको ना पसंद हो वो बिल्कुल ना करे। मैं तो यही बोलूँगी मत करना, क्योंकि ये निकालते टाइम भी ना टूटे हैं और बालों की ये हालत हो गई है। मैं तो स्पा करा के आई थी यार, पर हाँ कर्ली हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ वो नहीं करते हैं जो ऐसे स्टॉल बांध के और उसके ऊपर ऐसे ऐसे लपेट लेते हैं पूरी रात, वैसा कुछ कर लेती हूँ। अगर हो गए हो गए, नहीं हुए तो फिर हेयर वॉश कर लूँगी। सो गाइज मुझे यहीं व्लॉग एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई इन कर्ल्स के चक्कर में, और मैंने क्या ही कर लिया है, देखना मेरे इतने अच्छे हेयर थे और अभी ये हो गए हैं। तो ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा थोड़ा सा हो गया अभी मूड ऑफ ये करने के बाद, और इनकी वजह से हुआ है ये सब। दो तो टूट भी गए हैं, वो जो प्लास्टिक है उसकी बहुत लोकल है। तो बस मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, बाय बाय।